बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, एच बी न्यूज़ में खुश आमदीद कहते हैं। थाना शिदानी की हदूद में नवी जमात की तालबा को अगवा कर लिया गया। अगवा कारों ने भाई को भी साथ अगवा किया, बाद में कमसिन भाई को तशद्दुद करके छोड़ दिया गया। देखते हैं एहसानुल हक शानी की इस रिपोर्ट में तफसीलात, देखते हैं। जी, अगवा हुई है, उसके साथ जाने वाला बच्चा है, उसका भाई कामरान। ये इससे पूछते हैं, जी क्या हुआ? कामरान है, मैं खान बिला हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। एक दिन हम जा रहे थे, कोई आए थे, उन्होंने हमें छेड़ा। फिर एक दूसरे दिन गए, फिर उन्होंने मेरी बहन को अगवा कर लिया और मुझे मारा। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी, ये बच्चा, ये कल थाना शिदानी के इलाके में एक नौवीं क्लास की बच्ची के अगवा का मसला है, उस सिलसिले में उनकी वालदा बताना चाह रही हैं। जी बीबी, क्या हुआ? मेरी दी तो एक मारी है ने, एक कार दे तो तले वाज में ने वाज दे जी मिल के ने पत्र को कुटे ने। मेरी दी को जाती दे के पे मैं कोई इंसाफ मिला मुझे। मेरी मासूम बच्ची है, 12 साल दी मेरी बच्ची है, मैं कोई इंसाफ मिला। जी, ये बीबी कह रही है कि मेरी बच्ची को बाजियाब कराया जाए और मुल्जमों को सजा दी जाए। मोहम्मद असलम है, मैं मोहल्ले चौहान दे रहा हूं, ना बस्ती खान मोहम्मद थाना शिदानी। मेरा बच्ची बच्चा खान दे पढ़ते हैं, रोजाना बेंदे हैं। अब वो मुजरे मंजरे वो इन्हें कुछ छिड़ेंदे हैं। भला कल मेरी बच्ची बच्चा बेंदे पे हैं, कोई 1.5 किलो दे फासले ते घर करूँ निकल गए। उठा इस पिछू साइकिल मोटर चले हुए हैं, वो अब कार पे हैं। उन्हें कार रोक के खिड़की खोली है, मेरी बच्ची बच्चा ढाए थे खड्डे च बनते। मेरे बच्चे को कुत्ते ने मेरी बच्ची अगवा कर दी। रूफ जहूर बशीर शफीक महमूद वगैरह। मेरी अपील है वजीर आला साहब को, जो मेरी बच्ची से आप याब करावे। मेहरबानी, शुक्रिया जी। Thank you.